हाय गाइस, माय नेम इज अकी एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक अकी। गाइस, तो आज मैं आपके लिए जो रेडमी की डील्स लाया हूँ, आप डील्स देख के कहोगे कि दिल बाग बाग हो गया। काफ़ी बेहतरीन, तगड़ी और ज़बरदस्त डील्स लाया हूँ आपके लिए। आप चाहे रेडमी का बजट फ़ोन लेना चाहते हैं, मिड रेंज फ़ोन लेना चाहते हैं या फिर फ्लैगशिप फ़ोन लेना चाहते हैं, तीनों ही रेंज में काफ़ी तगड़े तगड़े भारी भारी डिस्काउंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऑफर्स में कितना कितना डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही ज़बरदस्त बेहतरीन डील्स पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो आपको वो मिस नहीं करने, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आपको पता होगा कि अमेज़न का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 3 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, और अगर आप अमेज़न के प्राइम मेंबर है तो आपके लिए सेल एक दिन पहले ही शुरू हो जाएगा, और इसमें आपको HDFC बैंक में डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। वैसे आज रेडमी की बहुत सारी डील्स रिवील हुई है, लेकिन उनमें से जो भी मुझे लगा कि हाँ, ये मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ या फिर ये डील्स अच्छी है, मैं सिर्फ उन्हीं पे वीडियो बना रहा हूँ। बाकी अगर आपको और भी डील्स देखनी है तो इस पेज की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, शुरुआत करते हैं रेडमी 9 से, जिसका 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला वेरियंट अभी आपको 9500 में देखने को मिल रहा है, लेकिन सेल के दौरान ये आपको 8800 में देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर भी अगर आप बैंक का डिस्काउंट अप्लाई करेंगे तो इफेक्टिवली आपको 8000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। और उस हिसाब से मैं कहूँगा, आपको रेडमी का फ़ोन चाहिए और 8000 के आसपास का बजट है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा डिसेंट फ़ोन है, G35 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, फ्रंट में 5 मेगापिक्सल की सेल्फी है, रेयर में हमें 13+2 मेगापिक्सल के कैमराज देखने को मिलते हैं, 6.5 इंच का बड़ा सा डिस्प्ले देखने को मिलता है HD+ वाला। सो ओवरऑल ये डील डिसेंट है, अगर आपका बजट 8000 के आसपास है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट फ़ोन है वो रेडमी 10 प्राइम, ये भी थोड़े दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, जिसमें हमें 6.5 इंच का फुल HD वाला 90Hz का पैनल देखने को मिलता है, पीछे 50 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरास देखने को मिलते हैं, फ्रंट में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, हमें G88 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है, आप गेमिंग डे टू डे टास्क आराम से कर पाएंगे, 6000mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलती है, जिसके साथ हमको 22.5W का चार्जर बॉक्स में देखने को मिलता है, लेकिन ये फ़ोन 18W ही सपोर्ट करता है। की प्राइसिंग की बात करें तो ये सेल में हमें 12000 का देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप इसमें बैंक का डिस्काउंट अप्लाई करेंगे सो इफेक्टिवली आपको 10800 में मिलेगा। रेडमी की तरफ से 11000 में कोई फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट फ़ोन है वो रेडमी 10S, और ये हमें अभी तो 15000 में देखने को मिल रहा है, लेकिन जब सेल स्टार्ट होगी तो ये 13000 में देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर अगर आप कार्ड का डिस्काउंट अप्लाई करते हो तो ये इफेक्टिवली आपको 11700 में देखने को मिल जाएगा, और 11700 के हिसाब से ये काफ़ी सही फ़ोन बन जाता है, क्योंकि इसमें 6.4 इंच का फुल HD वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, उसके साथ 33W का बॉक्स में ही चार्जर देखने को मिल जाता है, बैक में 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरास देखने को मिलते हैं, फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, मीडियाटेक G95 के साथ आता है जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, आप इसके साथ गेमिंग आराम से कर पाएंगे, कोई भी आपको लैग या फिर इशू देखने को नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपका बजट 12000 के आसपास है तो ये 11700 में काफ़ी अच्छी डील है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, अभी जो नेक्स्ट दो फ़ोन है वो काफ़ी किलर प्राइस पे आपको मिलने वाले हैं, उसमें से जो पहला है वो है Mi 11X, 6+128GB स्टोरेज वाला आपको अभी 30000 में देखने को मिल रहा है, लेकिन सेल के दौरान जब आप इसे कार्ड के थ्रू परचेस करेंगे तो ये आपको इफेक्टिवली 21000 में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पूरे 9000 रुपीज़ ऑफ, जो कि काफ़ी बेहतरीन और तगड़ी डील बन जाती है 21000 में। अगर आपका बजट 20000 के अराउंड है तो आप इसे ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन बढ़िया डील है। स्नैपड्रैगन 870 के साथ देखने को मिलता है ये फ़ोन हमें, इसका डिस्प्ले एकदम A1 है, 120Hz का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं हमें इसमें, 48 मेगापिक्सल के क्वाड कैमराज देखने को मिलते हैं हमें बैक साइड में, फ्रंट में हमें 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। सो ओवरऑल ये काफ़ी तगड़ी बेहतरीन डील बन जाती है, अगर आपका बजट 20000 के अराउंड है और उसमें आपको कोई फ्लैगशिप किलर फ़ोन चाहिए तो आप इसे ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। वैसे और गाइस, जो नेक्स्ट फ़ोन है वो है Mi 11X Pro, जो पिछला फ़ोन बताया था ये उसका बड़ा भाई है, इसमें हमें Snapdragon 888 देखने को मिलता है, 108 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरास देखने को मिलते हैं, और ये जो वेरियंट है वो है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला, पिछला फ़ोन बताया था वो भी 5G था और ये भी 5G है, और इसमें भी हमें 120Hz का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है फुल HD वाला, और इसका भी डिस्प्ले एकदम कमाल का है, लास्ट मोबाइल की तरह इसमें भी 4500mAh की बैटरी है, साथ आपको 33W का चार्जर भी देखने को मिलता है, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स इसमें भी है। वैसे तो ये 40000 में देखने को मिलता है, लेकिन जब सेल स्टार्ट होगी
और आप इसे बैंक के कार्ड के थ्रू परचेस करेंगे तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 30,000 में देखने को मिलेगा, जो कि मैं कहूँगा सुपर डुपर वैल्यू फॉर मनी डील बन जाती है। काफ़ी बेहतरीन और तगड़ी डील है ये। तो गैस आपको अगर कोई फ़ोन चाहिए जिसमें स्नैपड्रैगन 888 हो तो 30,000 में आप इसे ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन तगड़ी डील देखने को मिलती है इसमें। मैंने आपको अभी जितने भी फ़ोन बताए उन सभी की लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं इन सबको। गैस जो नेक्स्ट फ़ोन है वो है Redmi Note 10 Pro। अभी तो ये आपको 18,000 में देखने को मिल रहा है, लेकिन जब सेल स्टार्ट होगी तो आपको 16,500 में मिल जाएगा, और उसके ऊपर भी आप अगर बैंक का डिस्काउंट अप्लाई करेंगे तो ये इफेक्टिवली आपको 15,000 में मिल जाएगा, जो कि मैं कहूँगा ये भी काफ़ी तगड़ी डील है। अगर आपका बजट 15,000 के आसपास है तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। 6.67 इंचीज का फुल HD वाला 120Hz सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरास देखने को मिलते हैं। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिलती है। 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलती है, जिसके साथ आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें हमें स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, गेम खेल पाएंगे, डे टू डे टास्क आराम से कर पाएंगे, कोई भी इशू नहीं होगा। और तो 15,000 के आसपास आपका बजट है तो आप इसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट फोन है वो Redmi Note 10 Pro Max। जो Redmi Note 10 Pro है ये उसका बड़ा भाई है। सिर्फ सेल के दौरान बैंक के डिस्काउंट के बाद ये आपको 17,500 में मिल जाएगा। ओवरऑल 17,500 के हिसाब से ये डील भी बुरी नहीं है, आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस आज आपको रेडमी की डील्स कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे टेकी, जय हिंद।